इस तारीख से 120 दिनों तक नहीं होंगे कोई शुभ काम, जल्दी निपटा लें शादी विवाह और गृह प्रवेश जैसे कार्य। हिंदू पंचांग के चौथे महीने की एकादशी से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयानी एकादशी से भगवान विष्णु अगले चार महीने तक क्षीर सागर में सो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन चार महीनों में शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस साल आषाढ़ माह की देवशयानी एकादशी 17 जुलाई को थी। ऐसे में चलिए जानते हैं आषाढ़ माह में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देवशयानी एकादशी से कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आपको बता दें कि इस दौरान जब भगवान विष्णु शिव सागर में सो जाते हैं तो ऐसे में पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार बाबा भोलेनाथ संभालते हैं। इसीलिए आषाढ़ माह में शिव जी की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ, हवन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, रामकथा आदि करने का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से बारिश अच्छी होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि इन चार महीनों में क्या न करें। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त, बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं करना चाहिए।